अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसको जरा हम देखते हैं क्या अपडेट है। देखिए, UGC को परीक्षा रद्द कर छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, इस सभी की एक बड़ी अपडेट है। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या दोस्तों मामला है, क्या खबर है। जी हाँ दोस्तों, देखें इस समय DLED के छात्र भी मानसिक तौर पर परेशान है। हो सकता है दोस्तों आप भी परेशान हो कि पेपर कब होगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के छात्र परेशान क्यों हैं, इसका दोस्तों रीजन आपको बताते हैं। अभी तक दोस्तों स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही कि जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में, इनका पेपर होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब तक 100% कन्फर्म नहीं होता तब तक भाई बेचैनी तो बनी रहेगी ना कि क्या होगा। और बात यहाँ पर है, सीधे एग्जाम होगा, कोई भी आपको समय नहीं दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको एक महीने का समय मिलेगा जिसमें आप फिर से पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, इसको जरा हम देखते हैं पूरी अपडेट को। एक और बड़ी अपडेट आई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर अब ₹500 जुर्माना, स्वास्थ्य विभाग। इस समय के दोस्तों की ये बड़ी अपडेट है। देखिए R9 TV चैनल से अपडेट आई है कि देख लीजिए, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, अगर आपके पास मास्क नहीं है, नहीं पहना है, तो ₹500 आपको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जुर्माना की बात हम छोड़ देते हैं, एक और अपडेट देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में 25,000 से नए ज्यादा नए मामले आए और दोस्तों 479 लोगों की जान गई है। ये दोस्तों ऑन रिकॉर्ड है, बाकी कितने लोगों का जांच नहीं हुआ होगा, टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, उनकी दोस्तों बात ही अलग होती है। ठीक है, एक बात और, आज से दोस्तों फिर से लॉकडाउन लग रहा है, ये बात आपको पता चल गई होगी। आज रात से लॉकडाउन लग जाएगा, तो फिलहाल दोस्तों लॉकडाउन फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं पेपर या प्रमोट, क्या अपडेट थी पहले इसको जरा हम देख लेते हैं, उसके बाद और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए कोई आवाज अगर उठाता है तो उनकी बात दोस्तों हमें माननी चाहिए, उनकी बातों के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए। कम से कम दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ तो कहा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है अभी तक प्रमोट को लेकर मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा। चलिए राहुल गांधी ने क्या कहा इसको जरा हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है ये आपके लिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को परीक्षा रद्द कर विद्यार्थियों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रोन्नत कर देना चाहिए। मतलब दोस्तों इनकी मांग है कि सभी छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए, मतलब पिछले प्रदर्शन के आधार पर। उन्होंने कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर चलाए गए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट अभियान के तहत वीडियो जारी कर यह आरोप भी लगाया कि UGC भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भ्रम की स्थिति में क्या है, कभी दोस्तों बात की जाती है प्रमोट किया जाएगा, फिर बोला जाता है कि नहीं दिसंबर में पेपर हो जाएगा, उसके बाद ये बोला जाता है कि फाइनल ईयर के बच्चों को पेपर देना जरूरी होगा। काफी दोस्तों ऐसे राज्य थे जहां पर छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन फिर से UGC ने दोस्तों मामले में ट्विस्ट ले आया है। तो ये सब चीजें दोस्तों हैं, उसके बाद जरा देखते हैं क्या अपडेट है। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड ने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के हमारे छात्रों को बहुत कष्ट सहना पड़ा है, कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं कराना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि IIT और कई कॉलेजों ने परीक्षा रद्द कर बच्चों को प्रोन्नति दी है, लेकिन UGC भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि UGC को विद्यार्थियों की आवाज़ सुननी चाहिए और परीक्षा रद्द कर उन्हें उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नति देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट होगी। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि राहुल गांधी जी की दोस्तों जो ये बात है ये आगे तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दोस्तों फायदा आपको इसमें आपको खुद ही मिलने वाला है। देखिए, जब आप लोग अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर बुलंद करेंगे ना, डेफिनेटली उसका दोस्तों जो रिजल्ट आता है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब आप ये सोचेंगे यार चलो हमें क्या मतलब है दोस्तों, होगा सबके साथ होगा, जो ऐसा नहीं दोस्तों, आपको भी एक कैंपेनिंग करनी चाहिए अपने लिए और आपका भी फायदा होगा। देखिए ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ तो आपको बता दें, हर एक छात्र आज के दिन DLED का लगभग ये परेशान तो है यार कि पेपर होगा, प्रमोट होंगे, क्या होगा। ठीक है, आपके मन में एक और संदेह चलता रहता है कि यार क्या फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर एक ही साथ तो नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी सेमेस्टर के लगभग एक साल बीत चुके हैं, मतलब अब फाइनल मतलब पेपर का समय आ रहा है। वैसे तो देखिए, जो बच्चे 2018 बैच के हैं उनका तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 2020 बैच के छात्रों का एडमिशन भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब 2018 बैच को फिलहाल आप कॉलेज जाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। 2019 बैच का 200 सेकेंड सेमेस्टर भी आपका यहाँ पर जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा ऑफिशियली। देखिए सिंपल सी बात है,
जब से आपका सेशन शुरू होता है तभी से सब कुछ जोड़ा जाता है। 2019 बैच का जो सेशन था वो अगस्त 2019 से स्टार्टिंग हो चुकी है, शुरुआत हुई थी तो जुलाई में दोस्तों, ये लगभग 1 साल आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा जब 31 तारीख आएगी उसके अगले जुलाई तक, मतलब 2021 में जुलाई तक दोस्तों, तभी तक आप लोग कॉलेज के लिए परमिट होंगे। उसके बाद कॉलेज तो आपका खत्म होगा, बाकी जब पेपर होगा सो होगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि नए बैच के छात्र आ जाएंगे 2021 बैच, तो आप लोगों की भी छुट्टी हो जाएगी अगले 1 सालों में। लेकिन अभी तक आपका एक भी सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ, तो यहाँ भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है। पेपर होगा, प्रमोट होंगे, क्या होगा दोस्तों, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप दोस्तों, जब राहुल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया या दोस्तों इनकी बातें हो रही हैं, तो इनकी बात को दोस्तों आगे बढ़ानी चाहिए हमें, और उम्मीद करें दोस्तों कि आपको भी इससे फायदा मिले और मोदी सरकार दोस्तों कुछ बड़ा फैसला ले। मोदी सरकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये बात अब देश के लिए हो रही है, ना कि दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो रही है, नहीं तो फिर यहाँ पर योगी सरकार के हाथ में होता। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है कि हम आपको अपडेट करके बता देंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए। देखिए अभी आपके पास दोस्तों बहुत सी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए अभी आप यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद देखिए सुपर टेट की तैयारी करने के लिए काफी छात्र कह रहे थे। देखिए 2018 बैच के छात्र जो टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब वो अपना आगे सुपर टेट का देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने यूपी टेट सी टेट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, तो अभी दोस्तों आप इतनी दूर का मत सोचिए कि सुपर टेट की हम तैयारी करेंगे। ठीक ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों तैयारियां होती रहेंगी। फिलहाल अभी आप लोग हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे तैयारियां होंगी, ठीक है, समय के साथ। लेकिन सबसे पहले अभी आपका दोस्तों जो मेन एम होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए, वो आपका ये होना चाहिए कि अभी आपको डीएलएड का देखना है। देखिए बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो आगे यूपी टेट को क्लियर कर जाएंगे, लेकिन गलती से डीएलएड में अगर एक भी विषय में बैक आ गई ना या फेल हो गए, इसका मतलब आप समझ लीजिए सुपर टेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो सुपर टेट की तैयारी करने से अच्छा है दोस्तों पहले आप डीएलएड को भी ठीक ठाक देखें। बहुत से छात्र क्या होते हैं कि डीएलएड को अनदेखा करते हैं, लगता है आपका सेमेस्टर का पेपर आसान है तो वैसे सेकंड का भी होगा। उसी चक्कर में 2018 बैच के 50,000 से अधिक छात्र फेल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, एक रिकॉर्ड बना दिया था छात्रों ने, इतनी बड़ी संख्या में छात्र फेल होना, ये भी दोस्तों एक रिकॉर्ड होता है कि एक साथ किसी भी परीक्षा में 50,000 बच्चे फेल हो जाए। 2 लाख करीब बच्चे पेपर दिए थे और 50,000 बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, 2018 बैच के छात्रों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो देखिए दोस्तों अभी तक पेपर की ऑफिशियल तारीख तो आई नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग चेक करते रहिए दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स नीचे लिंक भी दिया है, उसको भी दोस्तों आप ओपन करके चेक करते रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे आपको मिल जाएंगी। फिलहाल उम्मीद बस यही करिए आप लोग कि कुछ ही घंटों में दोस्तों, या हम कह सकते हैं अगले 2 से 4 दिनों में, कम से कम ये तो पीएनपी डिसाइड कर दे दोस्तों, डिक्लेयर कर दे कि आगे करना क्या है। अगर परीक्षा करानी तो दोस्तों परीक्षा की तारीख घोषित हो जाए, या दोस्तों प्रमोट करना है तो उसको लेकर क्लियर कर दिया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए परीक्षा सितंबर तक दोस्तों फाइनल करानी, आपको पता होगा ना यूजीसी ने क्या कहा था कि जो बच्चे फाइनल ईयर के होंगे, फाइनल सेमेस्टर के होंगे, उनका पेपर सितंबर लास्ट तक कंप्लीट होना ही होना है। ठीक है, अक्टूबर में नहीं जाएगा, सितंबर में सब कुछ फाइनल होगा। देखिए सितंबर में फाइनल होने का मतलब होगा कि जो बच्चे नए एडमिशन लेना चाहेंगे, जैसे कुछ छात्र ऐसे होंगे ना जैसे बीए बीएससी वाले जो बीटीसी में एडमिशन लेना चाहेंगे, डीएलएड में मतलब, या बीएड में, देखिए उनका ग्रेजुएशन बेसिक होता है सब एडमिशन, तो मतलब उनका एडमिशन अक्टूबर तक खिसक जाएगा। तो कुल मिला के आपको बहुत सी बातें समझ में आ रही होंगी कि यार सब कुछ लेट होता चल रहा है। अगर दोस्तों प्रमोट कर दिया जाता तो कम से कम कुछ चीजें और भी शुरू की जा सकती थी, जैसे डीएलएड के नए एडमिशन हो गए, बीएड के एडमिशन हो गए, बाकी और से दोस्तों प्रोसेसेस हैं, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। लेकिन आप लोग फिलहाल तैयारी करते रहिए अपनी परीक्षा की भी, डीएलएड का पहले आप फोकस रखिए, एम आपका डीएलएड होना चाहिए। यूपी टेट सी टेट ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डीएलएड को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो फिलहाल दोस्तों कोरोना वायरस के जो केसेस हैं दुनिया भर में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी कितने लोग होंगे जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई होगी, अमेरिका दोस्तों अब भी नंबर 1 में, एक 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 दिन में मतलब 61,000 केसेस आ रहे हैं यहाँ पर। ब्राजील में भी 42,000 से अधिक केसेस, मतलब अब देखिए जहाँ पर केसेस ज्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर टेस्टिंग बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है। और वही दोस्तों इटली की बात भी कर लिया करते हैं कि जहाँ पर एक दिन में मात्र 214 केस। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कभी इटली नंबर 1 पर था, आज 11वें पोजीशन पर है। अब दोस्तों पाकिस्तान भी तेजी से बढ़ रहा है, लग रहा है कि पाकिस्तान कल तक 11वीं पोजीशन हासिल कर लेगा। तो कुल मिला के दोस्तों पूरी दुनिया में भाई केसेस काफी बढ़ गए हैं। लेकिन एक चीज और हम कंपेयर करें, पाकिस्तान और इंडिया में दोस्तों काफी अंतर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में केसेस काफी कम है, इंडिया में तब भी बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो ठीक है, अब सरकार को यहाँ पर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आपको पता है कि आज रात से दोस्तों लॉकडाउन लगने वाला है। फिलहाल आप लोग भी घर में रहिए, सावधान रहिए। देखिए हमने आपको पहले भी बोला था कि
कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए। वैसे अगर आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो आपको लगता होगा यार यहाँ कोरोना ऐसा कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है। कोरोना वायरस पहले भी खतरनाक था, आज भी खतरनाक है। आप ये मत सोचिएगा हम तो बहुत मेहनत करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इम्यून सिस्टम दोस्तों अलग चीज़ होती है, मेहनत आपकी एक अलग चीज़ है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि जो मजदूर वर्ग के लोग होंगे जो बहुत ही मेहनत करते हैं उनको कोरोना वायरस का कोई मतलब प्रभाव या इफेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ रहे होंगे आप लोग बातें, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों जैसे क्लियर होगा पेपर या प्रमोट हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे राहुल गांधी की दोस्तों जो ये बात है आप इसको आगे तक पहुंचाएंगे ताकि दोस्तों आपके लिए फायदेमंद बातें हों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।